अलेसा और लियाना दो लड़कियां हैं जो एक छोटे बगीचे में काम करती हैं। दोनों को संगीत से गहरा प्यार है। यह वही जादुई कड़ी है जो दोनों लड़कियों को सबसे अच्छा दोस्त बनाती है। उनका दैनिक कार्य स्ट्रॉबेरी उद्यान की देखभाल और फसल काटने का था। एलेक्सा, देखो मुझे क्या मिला। वाह, यह वाकई सुंदर है। यह जादू जैसा चमक रहा है। अगर इसके पास जादू वास्तव में है तो आप क्या चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारा खेत समृद्ध हो, हमारे पास बहुत सारा खाना और पीने का सामान होगा। उई, अलेक्सा, शायद ये सपना बहुत दूर है। चलो घर चलते हैं। एक बड़ा तूफान आ रहा है। मुझे तुरंत सिखाओ। लियाना, इस साल हमारी स्ट्रॉबेरी का बागान असफल हो जाएगा। आओ अलेक्सा, ये पहली बार नहीं है जब हम इस स्थिति में हैं। हमें कुछ रास्ता मिलेगा। तुम यह देखो। तुमने यह कब किया? बहुत सुंदर। दादी? अरे आप लड़की, मैं केवल गिरे हुए सड़े फल उठा रहा था। मैं दादी, नहीं। थोड़ा खाना ले लो। लेकिन यह मेरे खाने का हिस्सा है, मैं नहीं कर सकता। शायद भूख नहीं लगी होगी, आप संकोच ना करें। धन्यवाद बेटा। दयालु लड़की, इस झोले में कुछ भी कीमती नहीं है, लेकिन तुम इसमें से कोई भी चीज ले सकती हो। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। अलेक्सा एक आइटम प्राप्त कर सकती है जिससे बुआ का दिल खुश हो सकता है। वैसे धन्यवाद, अलविदा दो अच्छी लड़कियों। दोनों लड़कियों ने बुजुर्ग महिला से तोहफा एक यादगार के रूप में लिया, बिना यह जाने कि यह जादुई वस्त्र दो लड़कियों को दुनिया बदलने वाली कठिन किस्मत दे चुका है। कैसे हो मेरे दोस्त? ऐसे समय में हमें क्या चाहिए, तुम्हें याद है? एक जोशीली धुन से सब कुछ फिर से शुरू होता है। दोनों लड़कियां असली कलाकारों की तरह हैं। संगीत में डूब जाओ, संगीत की धुनें सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देती हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक रहस्यमय सुंदर ध्वनि दो लड़कियों के साथ ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गई थी। आईने में लड़की की बांसुरी की आवाज दूर एक शांत जगह तक गूंजती रही। वह अभी भी जीवित है, मुझे कहीं न कहीं उसकी आवाज महसूस हो रही है। मालिक, क्या प्रशिक्षु अभी भी जीवित है? उसने हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे की? क्या यह सोचता है कि मैं इसे नहीं ढूंढ सकता? लेकिन यह दुनिया बहुत अंधेरी और छोटी है, जल्दी इसे मेरे पास लाओ। बहुत खुशी हुई मालिक। एलिस्टेयर, अरे दोस्तों, मानो जैसे तुमने मुझे कभी देखा नहीं हो। मुझे नहीं जानना चाहिए। रुको, मत जाओ, हम बुरे लोग नहीं हैं। बस तुम्हारा संगीत बहुत अच्छा है, हो सकता है हम एक बैंड बन सकें, है ना अलेक्सा? हाँ, तुम कौन हो? तुम इस दर्पण में क्यों हो? कहानी बहुत लंबी है। मैं कांच के महल में एक प्रशिक्षु की तरह हूँ, जहाँ दुनिया का सर्वोच्च संगीत रखा जाता है। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में एक नया गाना गाया जाता है, एक डायमंड आंटी उभर कर सामने आती है। लो,
दाई फाले में 3 संगीत बैंड हैं। वे महल का ख्याल रखते हैं और मिलकर खुशियों की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे दोस्त हैं और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ खेलते हैं। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब जिलाबो की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वह चाहती थी कि मैं एकमात्र प्रेरणा बनूं, लोगों का सारा प्रकाश। बाकी 2 प्रेरणाएं दोरी और फेगे थीं। संगीत सबके लिए है। जिलाफो ने गुस्से में कसम खाई कि वह हीरे के महल पर कब्जा कर लेगा। उसने एक जादुई जबड़ा पाया और अपनी 6 शक्तियों को डार्क मैजिक सॉन्ग में बदल दिया। नई ताकत के साथ उसने हीरे के महल पर हमला किया और हर जगह जादू के गोले लटका दिए। महल और संगीत को बचाने के लिए कवियों ने अपने साज और डायमंड महल को छुपा दिया। उन्होंने हमें चाबी दी ताकि अगर कोई आपात स्थिति हो तो हम कमरा खोल सकें। आंतरिक प्राधिकरण ने गिलाफों के साथ तर्क करने की कोशिश की थी कि हमने उनके साथ धोखा और अन्याय किया। मैंने भागा और भागा, लेकिन स्ट्राइडर कई दिनों तक मेरे पीछे आया। फिर उसे अपना एकमात्र मौका मिला। उसी तरह से भाग गया जैसे मैंने अपने वरिष्ठ प्रिंसिपल को किया था। स्लाइडर ने इसे महंगा बना दिया, इसलिए मैं इस दर्पण में फंस गया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा जब तक मैं तुम दोनों से नहीं मिली। जल्दी जल्दी छिप जाओ, स्लाइडर आ रहा है। स्लाइडर वह जिलाफों की टोपी वाला ड्रैगन था। उसका नाम लीडिया था। वह जानती थी कि उसके पास हीरे के महल की चाबी है, इसलिए उसने उसे अपने पास रखा। इस जाल में आओ। स्मार्ट अलेक्सा ने लियाना को जानबूझकर पेड़ की छाया में दौड़ाया ताकि वह राक्षस की नजर से बच सके। हालांकि ये पेड़ इतनी घनी नहीं है कि दोनों लड़कियों को छुपा सके। ऊपर से छाया स्लाइडर की दृष्टि में पकड़ी जा चुकी थी। हा 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 हा। और ये लिया। करो अलेसा, अपना हाथ बढ़ाओ। तुम क्या कर रहे हो एलेक्सा? इसे नीचे रखकर मेरी मदद करो। अगर तुम नहीं रुके तो हम वहां नीचे नहीं जा पाएंगे। नहीं एलेक्सा, तुम क्या करने वाली हो? मुझे वहां ऊपर जाने दो, तुम नीचे आओ। मैं जल्द ही वापस आऊंगी, चिंता मत करो। मैं एलेक्सा हूँ, सबसे मजबूत किसान प्रतियोगिता की विजेता। लेकिन यह किसानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है, तुम इसे कैसे जीत सकते हो? मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो सब कुछ अलग होता। अलेक्सा जानती थी कि वह ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पाएगी। वह वास्तव में डर गई थी।
लेकिन सबसे बढ़कर एक दोस्ती थी जिसे वह बचाना चाहती थी। एक समझदारी भरी योजना एलेक्सा के दिमाग में आई। तुम्हें पकड़ लिया। हा हा हा, क्रिस्टीना, क्रिस्टीना दिखाई दो, अगर नहीं तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारी जगह ले लेगी। हा हा हा। क्या अलेसिया राक्षस के दिल को धोखा देने में सफल हो पाएगी? तीनों लड़कियों और क्रिस्टल कैसल का भाग्य क्या होगा? सब कुछ क्रिस्टल कैसल की मिस्ट्री और म्यूजिक म्यूज की गायब होने की कहानी के पार्ट 2 में होगा। वेलिस गुप्त बिस्तर क्षेत्र में घुस गई। वह चारों ओर देख रही थी और उसे कीमती सिक्कों का दृश्य खोजने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। वेलिस ने हल्के से किनारे को पकड़ा। उसका दिल खुशी और उत्साह से भर गया। वह वापस एक टहनी लेकर आई। मैंने सोचा कि मैं उससे रानी के आकार के बारे में पूछूंगा, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था और ली से संदेह से भरा हुआ है। लेकिन छोड़ मत देना। अभी जरूरी है कि हम समय पर प्रतियोगिता के लिए वापस जाएं। हम बाद में उसे ढूंढ लेंगे। वलिसी एक विजेता के उत्साह के साथ दुआंग क्वॉक लौट आया, बिना यह जाने कि एक भयानक घटना घटित हो चुकी है। जब परियां हाना को रोकने के लिए आगे बढ़ीं, तब नमक्वी यांग ने अवसर का लाभ उठाया और सोल जेम रखने वाले मंदिर में घुस गया जहां कोई नहीं था। तुम जाल में फंस चुके हो, मैं ही वलीज हूँ। हा 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 हा। कानून के अनुसार तितलियों की रानी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए माँ विला का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। वह अपनी शक्ति खोने से डरती है और उसने अंधेरे जादू के बारे में जानकारी हासिल की ताकि वह फिर से जवान हो सके, लेकिन अभी पूरी तरह से कुशल नहीं हो पाई। अंधेरे जादू के अनुयायी अभ्यास के दौरान अभिशापित हो गए और पुरुष भूत में बदल गए। वह बुराई से बदल गया और जादू में पागल हो गया। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और माथिपा के प्राणी रत्न को छीनने की कोशिश की। हे सर्वोच्च आत्मा, मुझे इन परियों को नियंत्रित करने की शक्ति दो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। उन्होंने परियों के पंख से अवशोषित की गई ऊर्जा का इस्तेमाल किया। एक शक्तिशाली काले तितली योद्धा के युद्ध कौशल के साथ वेलिस ने अस्थाई रूप से दुष्ट क्विदुओंग को पीछे धकेल दिया। जब दानव दूर उड़ गया, उसका सम्मोहन जादू भी धीरे धीरे खत्म हो गया। परी कीड़े होश में आ गए हैं। दुख की बात है कि वे जो कुछ भी याद रख पाते हैं, वह सब वलिसे के कारण है जिसने उन्हें नगनी की रक्षा से विचलित किया। हाना के कदमों की ओर चले। तुम्हारी जिम्मेदारी सोल गेम की रक्षा करना है ना? अब तुम्हारी योजना क्या है? हम सिर्फ वलिसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। फेलिसी, समझाओ, यह क्या है? क्या यह महारानी मविला का प्रसारण समय नहीं है? आपके पास यह कैसे है? ये हार मैंने नगुयेन धोंग से प्राप्त किया, इसे लगाना तुम्हारे ऊपर है। क्या आप थाई क्विदुओंग से हैं? आप पहले से ही थाई क्विदुओंग को जानती हैं। आपने ही हमें भेजा था ताकि वह नगो खोन पर हमला कर सके। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप धोखेबाज होंगे। नहीं, ये सच नहीं है। कृपया मुझे समझाने दें। उसे फिर से मदद करो। अंत में योद्धा वेलिस फिर से विश्वासघाती बना दुयांग देश का। यह अन्याय वेलिस के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ा कलंक है, लेकिन इस समय में वह और भी दुखी थी क्योंकि उसने भी दानव के झांसे में आकर दुर्गम राज्य को बर्बाद कर दिया।
उनका खुद से गुस्सा होना गलत नहीं है, यह अपनी ही मूर्खता की वजह से है। वह निश्चित रूप से वापस आएगा। वालसी, होश में आओ, हम दुश्मन के हाथों में देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते। कृपया सोचो वालसी। और वह अपनी गलतियों को सुधारने का दृढ़ संकल्प करती है। एक योद्धा के सम्मान को वापस पाने के लिए उसे बाहर निकलकर दुष्ट राक्षस को मारना था, अपने देश की रक्षा करनी थी। हाँ हाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो वैलेसी, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं मानता। नहीं तो तुमने मुझे दलदल में उस राक्षस के साथ मरने दिया होता। और भी मैं उस एलिस पे विश्वास करता हूँ जिसे मैंने जाना है। गर्माहट में वैलिस और हाना ने पुरानी गलत फहमियों को साफ किया। वह कारण बता रही थी कि हाना वैलिस से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वह देख रही थी कि वैलिस लैला के साथ और भी ज्यादा घनिष्ठ होती जा रही थी। वो तितलियाँ उस दिन गली के ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी, खासकर वो हाना, मुझे उनसे नफरत है। हाना गुस्से में चली गई। उसे यह नहीं पता था कि वलीस पहले से ही छिपकर उसे देख रहा था और लैला को बेवकूफी भरी बातें करने के लिए एक सबक सिखाया। बचकाने मतभेद पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा। बाई एक का नाइट वॉरियर, देश आपको बुला रहा है, आपको अपना काम पूरा करना होगा। धन्यवाद, हम निश्चित रूप से माई डोम को हराएंगे। वह अभी भी प्रतिरोध करना चाहती है लड़की। वह देखती है उसकी बहनें पहले ही मेरे पीछे हैं, जो मेरा अनुसरण करते हैं वे जीवित रह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं, हम इस पवित्र मटिबा भूमि पर किसी दुष्ट को हावी नहीं होने देंगे। हाना और वैलिस अंतिम बहादुर योद्धाओं की तरह युद्ध में डूब गए। दानव ने जल्दी से हना जैसे कृषि परियों की कमजोरी को पहचान लिया। उसने हना पर घातक हमले किए। हाना, सावधान, नहीं। फेलिसिया जागो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मैं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इस समय लाइसी अत्यधिक दर्द की सीमा तक पहुंच गई थी। वह अपनी और हना की पुरानी यादों में खो गई और दुखी हुई। नगिनी को हराने के लिए परियों के पंखों से बनाया गया हथियार, जिसमें मजबूत इच्छा शक्ति और सबसे सच्ची भावनाएं होती हैं, की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, पंख फैलाओ। नहीं कर सकते फेलिसिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम मर भी सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप से वादा करो, तुम इस देश में शांति लाओगे। इसे होने दो। हना ने मुझसे वादा किया था कि वह दुयांग देश की रक्षा करेगा और अपनी शेष जिंदगी अच्छी तरह से जिएगा। उठो वालिशी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और दोस्त को खोने का दर्द उसे उसकी सीमा तक ले गया। वैलिसी की बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के लिए हाना ने अपनी कायरता को दूर किया। मैं निश्चित रूप से उसे हराऊंगा। हाना अपनी दोहरी तलवारों के साथ वापस आ गई है। वह अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। प्रत्येक तलवार यह प्रतिबिंबित होता है वालिसे और दुआंग देश के प्रति असीम प्रेम और विश्वास। तुम भी बहुत बहादुर हो गए हो, देखो यह। यह जीवन केवल क्रूरता को स्वीकार करने के लिए नहीं है। हाना का निर्णायक हमला प्रकाश की शक्ति और साहस से भरा था। वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरा मातीपा राष्ट्र भी चमक उठा। अंधेरे जादू से मुक्त हो गया, सभी परियां मिलकर जेड देवी के मंदिर की ओर बढ़ी।
एक साहसी आत्मा के जाने का हर कोई बहुत दुखी था। वे सभी मिलकर टूटे पंखों को ऊर्जा देते हैं, उम्मीद से भरा हुआ चमकता हुआ प्रकाश। हना ने जल्दी से वैलिस के पंख उसके शरीर पर वापस लगा दिए और उसे पुनर्जीवित किया। सब मदद करो, क्या हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है? हाँ, हम जीत गए वैलिसी। धन्यवाद, अब से तुम्हें खुद को अकेला नहीं छोड़ने देंगे। सभी गलत फहमियाँ सुलझ गईं। हाना और वैलिस उसके बाद तितली जनजाति की रानियों की तरह बन गईं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है जहाँ हर कोई अपनी शक्ति और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे कहते हैं कि घर वापस जाने की जगह है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे यह जगह हमेशा अजीब लगती है। बाहर कुछ है जो मुझे बुला रहा है। 100 साल पहले जंगल में सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। त्रासदी तबाई जब वन देवता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उनकी जगह एक क्रूर राक्षस ने ले ली। इसने सब कुछ जला दिया। अंधेरी मौत की रात ने जंगल को घेर लिया। वे कहते हैं कि एक राक्षस ने जंगल के भगवान को हराया और उसका दिल छीन लिया। चोट तब तक रही जब तक फौक्की का आगमन नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें अपना परीलैंड साम्राज्य फिर से बनाने में मदद की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस कड़ी मेहनत करें और सुने, हम सब सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। फौक्की की बात सुनकर जानवरों के झुंड वाले वेलाइस साम्राज्य में रहे। उन्हें विश्वास था कि यह उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। जंगल में लौटने से उनकी मौत हो जाती। हर दिन फौक्की जानवरों को खजाने और रत्न खोदने के लिए भेजता और उन्हें महल में लाकर रखता। पत्थर की ऊर्जा के कारण जंगल की बुरी आत्माएं राज्य के पास आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उनमें से एक विचित्र जोड़े हाल ही में पत्नी के दिमाग में लगातार फुसफुसाहट हो रही थी, उसे भागने के लिए मजबूर कर रही थी। अरे चुप रहो। वह महिला गहरे जंगल में चली गई, जैसे कि सम्मोहित हो गई हो। जब पति ने पीछा किया तो बहुत देर हो चुकी थी। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी, केवल एक नवजात शिशु बचा था। उसी क्षण उन्होंने कसम खाई कि वह अपनी पत्नी की जगह अपनी बेटी की रक्षा करेंगे। एक गेंडा बच्चा जंगल से पैदा हुआ था, लेकिन उसे जंगल में लौटने की अनुमति नहीं थी। वह बच्ची उस जंगल में पैदा हुई थी। क्या क्या कहा? उस जंगल के उल्लू ने कहा, एक नवजात शिशु कैसे बच सकता है? यही कारण है कि मैंने कहा, उसकी हड्डी को देखो, ये सच में अजीब है। तबाही। लिली की दिलासा बाहर के पेड़ हैं। उनके साथ खेलते हुए वह हर बार जैसे ठीक हो जाती है। लिली, क्या तुम्हें पता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है? लेकिन पिताजी। तबाही। लेकिन लिली अभी भी जंगल के बारे में अपने पूर्वजों की लिखी हुई किताबें छुपकर पढ़ती थी। जंगल में जानवर 7 साल तक खुशी खुशी रहते थे। लिली उसी तरह बड़ी होती गई। जितनी बड़ी होती गई, उसकी खासियत उतनी ही स्पष्ट होती गई। जहाँ भी वह जाती, पक्षी उसका पीछा करते और पेड़ अचानक बहुत हरे भरे हो जाते। अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। लिली अक्सर जंगल के बारे में सपने देखती थी। उसने एक अजीब जगह देखी, कुछ चमकदार और सुंदर छिपा हुआ। सपने बार बार आने लगे जिससे लिली को चैन नहीं मिला और उसने सच्चाई की खोज करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने मुकुट में नगीने को छुआ, वह तुरंत एक अद्भुत मतिभ्रम दुनिया में खींच गई। सूरज की गर्म किरणों के नीचे पहली बार लिली जंगल में स्वतंत्र रूप से खेली। जंगल वाकई में बहुत भव्य और खूबसूरत है। ओए, धन्यवाद। मुझे मेरा दिल वापस दे दो, मुझे मेरा नमूना दो।
मेरा दिल। यह वही है जो आपके राजा के मुकुट पर है। यह मेरा है। झूठ, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? झूठे! लिली हाल ही में हुई घटनाओं को नहीं समझ पा रही थी। उसके और सभी प्रजाजनों के लिए श्री फूकी वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें बचाया था। आप फूकी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जंगल देवता की बातें भी लिली को परेशान करती रही। यह कौन है? कौन? उसने सच कबूल करने और माफी मांगने के लिए फुक्की के कमरे में चुपके से जाने का फैसला किया। साथ ही जंगल के देवता से सुनी हुई बातें फुक्की से पूछने की। तुमने जंगल पर किताबें क्यों छोड़ दी? यह वास्तव में घोर अपराध है। तुरंत ढूंढो और उन्हें जला दो। खून ने जानवरों के खाने में हेरोइन की मात्रा बढ़ा दी, खासकर लिली के परिवार के खाने में। मायावी घास, जो लोगों को मतिभ्रम करवाने वाली घास है, फुक्की ने इसे लोगों के खाने में क्यों डाला? ये कब से हो रहा है? लिली तेजी से उलझन में पड़ रही थी और धीरे धीरे जंगल के देवता की बातों पर विश्वास करने लगी। रुको, ये खाने योग्य नहीं है पिताजी। क्या हुआ बेटी? तुम इस तरह खाना बर्बाद नहीं कर सकती। इस भोजन को ड्रग से मिलाया गया है, इसे खाने से आप मतिभ्रम करेंगे। हाँ हाँ, किसने तुमसे ये कहा? लिली, इतने सालों से हम बिल्कुल ठीक तो हैं, तुमने फिर से कहीं से ये बकवास पढ़ ली है ना? चलो खाओ। पिता को मनाने में असफल, फिर भी लिली ने इस भोजन को मना कर दिया। जब से लिली ने बिना धूर्त के भोजन किया, उसके चारों ओर की दुनिया अलग दिखने लगी। अब यह एक समृद्ध सुंदर दृश्य नहीं रहा। तो फुक्की ने लोगों को मतिभ्रम कराने के लिए इसे खाने में डाला। उसके महल में चमकने वाले पत्थर प्रतिबिंबित होंगे, एक मायावी स्थान का निर्माण करेंगे। लोग सोचते थे कि वे एक शांतिपूर्ण पूर्ण स्थान पर रह रहे थे, पर्याप्त, लेकिन वास्तव में यह केवल एक मतिभ्रम था। लिली ने फैसला किया कि वह फुकी द्वारा धोखा दिए गए और शोषित जानवरों को चुपचाप नहीं देख सकती। उस रात के बाद जब लिली चुपके से अंदर आई, फुकी की सतर्कता बहुत बढ़ गई। हैन ने सैनिकों को सख्ती से पहरा देने के लिए कहा और हमेशा अपने साथ देवता के दिल को जकड़े हुए ताज को अपने पास रखा, यहां तक कि सोते समय भी। लेकिन यह लिली को हरा नहीं पाया। उसने अपनी छिपी हुई शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। जंगल में वापस आते ही लिली को अपने शरीर में एक जादुई शक्ति का अनुभव हुआ, जिसने उसे पेड़ों को नियंत्रित करने और शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने की क्षमता दी। ऐसा लगता है कि लिली के आने के बाद से आकाश भी उज्जवल हो गया है, जंगल अंधेरे से मुक्त हो गया है। भगवान दियांग, मैंने आपका दिल वापस ला दिया है, कृपया प्रकट होइए। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और जीवन सामान्य हो जाएगा। अगली सुबह उठने पर उजाददा दृश्य ने निवासियों को चौंका दिया। उसे पता चला कि जादुई पत्थर गायब हो गया है। इसका मतलब है कि उसकी भ्रमित करने वाली त्रिकोणीय शक्ति नष्ट हो गई है। उसने जल्दी से लिली पर आरोप लगाया कि उसने खजाना चुरा लिया और राज्य को नष्ट कर दिया। तुम्हारी बेटी होने के नाते हम साफ कर रहे हैं। राज्य के सभी लोग निश्चिंत रहें। मैं खजाना वापस लाऊंगा और राज्य को बचाऊंगा। तो क्या मतलब? हे भगवान। रुको, तुम वह फल नहीं ले जा सकते। फूकी को देखते ही जंगल के भगवान का गुस्सा भड़क उठा। भगवान का रूप बदलने लगा, जैसे फूकी ने पहले बताया था। लेकिन अब और अधिक जंगल रहा है, समय के साथ बेहतर हो जाएगा। लिली समझती है कि वास्तव में यह देवता अच्छा है, क्योंकि दिल चोरी होने के कारण यह रूप धारण किया है। धन्यवाद,
लिली, मैंने सही व्यक्ति चुना है। परिवर्तन से पहले मैंने अपने दिल को दो हिस्सों में बांट दिया था, आधे बीज में बदल गए, आधे को जंगल की आत्माएं देख रही थीं, और मैं हमेशा एक साहसी आत्मा के दिन का इंतजार कर रहा था। दो दिलों के आधे हिस्सों को मिलाने की क्षमता। तुम वही व्यक्ति हो। आप दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं। लिली को अपनी अजीबता के बारे में जो जवाब वह लंबे समय से ढूंढ रही थी अब मिल गया था। जंगल फिर से शांत हो गया है, जानवर वापस आ सकते हैं। आज से जंगल को फिर से स्थापित किया जाएगा। मेरी जगह जंगल का संरक्षक बन जाओ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास अब ताकत नहीं रही। लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। लिली आखिरी बार जंगल के भगवान को अलविदा कहती है। फिर उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक एक पेड़ को फिर से बनाने के लिए एक घना जंगल तैयार किया। जंगली जानवर भी उसकी मदद के लिए दौड़े। हर कोई खुश था और अपने घर लौटने के लिए उत्साहित था। Long ago, there were two twin princes named Nancy and Mary. The king and queen loved them so much. They didn't have any friends, so one of the princes would get to be the queen next. Because of that, the king and queen wanted Nancy and Mary to learn everything they needed to be good rulers. They had lots of lessons, but unlike Nancy, who was super strong and good at everything, Mary was kind and gentle. She wasn't too excited about all the queen training. She rather just play and have fun. So, class is over. Now you can go play. As they got older, Nancy became more and more like a queen. She was strong, smart, and always knew what to do. Mary, on the other hand, loved to have fun and play games. Even though they were sisters, they were very different. Being queen is a really big job, and the king and queen knew Nancy would need all the help she could get. They hoped that someday, Mary would learn and grow too, so they could be a great queen team together. Mary, being a princess is important. You have to learn how to take care of the kingdom someday. Mary felt sadder and sadder. She tried really hard to be the kind of princess parents wanted, but it just wasn't working. Because of that, she didn't feel as close to them anymore and wasn't as happy as she used to be. I wonder if mom and dad even love me anymore. Mary ran through an old warehouse. Suddenly, she stopped. She felt like a secret was hiding nearby, calling out to her. Mary was curious when she saw a mirror there. It was covered with a glow and had a lot of cobwebs and dust around it. Mary pulled off the glow and was startled to see that the girl in the mirror was a completely different person. Hello, May. Who are you? Why are you in there? I'm Janie, the person that lives in this mirror. I have no friends or relatives, and I can't get out of here. It's just like me. I have a family, but no one cares about me because I'm nothing outstanding. Princess, come see what I have. It's a special present to make you feel better after everything that's happened. Into the mirror? The time in the mirrors is only 1 hour. You can still return home at any time. Mary wanted a hidden place. So she said yes to Jenny. Mary stepped into the mirror. She was amazed by the beauty of the place. There was endless green fields and tall waterfalls that poured down candy. Everything here can be eaten. So magical. Jenny took Mary to a different castle. It was a perfect copy of Mary's old house.
This is a gift I gave you. Time has begun to pass. Mary entered the castle and saw that everything was familiar. The king and queen were both there. But the difference was that the king and queen's arms were bone make of bone. Daughter. Huh? Welcome back home. The king and queen held a party for Mary. It had been a long since Mary had had a warm meal, full of her parents' love, instead of the pressure to achieve set to become queen. Suddenly, the clock stopped. Time was up. Come on, Mary. Whoa. In the real world, the king and queen are really worried about Mary and can't find her anywhere. Oh no, where's Mary? She must be having too much fun again and doesn't want to practice. Please calm down. We'll find Mary soon. This time, she will have a bit time out for making us worry. Huh? Mom, Dad, Mary's back. Where are you going? We're all so worried about you. Mary, where have you been? If you don't tell us why you left, you will have to stay in your room for a while. It doesn't matter why I left. Nothing I do seems to be good enough for you anyway. Mary, Mary. At night, Mary secretly went to the warehouse to meet Chaney and asked Chaney to let her into the mirror world to meet her parents. In this mirror world, Mary's mom and dad were so happy to see her. They gave her everything she didn't have in the real world. The king built a whole garden filled with beautiful flowers just for Mary. The queen cooked delicious meal for Mary. They also took Mary on fun outings and picnics. I want to stay here forever. I don't want to go back to that cold house anymore. Mary's words were the key to helping Jenny get out. She just needed someone to replace her in this mirror world. In the real world, the king and queen was having a hard time looking for her again. Mary, where are you? The king suddenly saw a diary on the princess' table, in which Mary had written many of her wishes, wishing to be closer to her parents and to live a normal life. Those were simple things that Mary did not have. We weren't very nice, Mary. We made her sad. Dad, Mom, I'm sorry for making you worry. As long as you're okay, that's all that matters, sweetie. We're so happy to see you safe. However, after that, Mary had many strange actions. Mary didn't like looking in mirrors, so every mirror in the castle was taken away. They even had to replace her fancy gold dishes with plain wooden ones because they reflected too much. One day, the queen took Mary for a walk. The queen looked down at the water. She saw another Mary looking back at her. It scared her so much, but she pretended to be brave. She was sure that the girl in front of her was is hiding Mary somewhere. The queen told the king the truth that Mary was a fake. That night, the two decided to follow Mary. Mary went to the mirror and pointed and jumped into it.
The queen recognized the mirror. It was a special mirror that she used to love when she was pregnant. She thought it was a treasure, and she used to look at it every day. But then she found other mirrors that she liked better. So she put this one in the warehouse. The magic mirror changed and made a new person. Her name was Janie. She wanted to live in the real world, and she wanted to be a princess like Mary. In the mirror world, the pretend Mary changed into who she really was, Janie. But Mary didn't know she was stuck there yet. Suddenly, the king rushed in and pushed Janie away to save Mary. Let's run! No, I'm not going back. I'm loved more here than with my parents. Are you sure? Don't touch my daughter. Angry Janie raised the mirror to make more fey image, but the queen stopped her. Get out of here, Mom and Dad. Don't try to get out. Mary and her parents went to the special door that took them between worlds, but there wasn't any light on the mirror like there usually were. Mary looked at the little mirror in her hand, then bravely pressed it right against the big mirror. No! The mirror was shut, cracked, and broke. They got out from the scary mirror world. I'm sorry, we were too careless and selfish. Dad, Mom, Mary, I look everywhere for you. I thought I would never see you again. I'm the one who's wrong, Mary. I'm sorry. I wanted you to grow up strong, so I was always taught on you. From then on, both Mary and Nancy got to do the things they loved best and help the kingdom in their own special ways.